गुड मॉर्निंग ग्रेड वन, वेलकम टू योर टुडे सेशन। बच्चों आज हम व्याकरण में चैप्टर 13 मुहावरे इडियम से रिक्त स्थान पर सही मुहावरों को लिखने का अभ्यास करेंगे। ओके, सबसे पहले आप अपने व्याकरण की नोटबुक में आज की डेट मेंशन करेंगे 14/12/20, फिर क्लास वर्क लिखेंगे चैप्टर 13 मुहावरे इडियम्स, हेडिंग लिखेंगे रिक्त स्थान पर सही मुहावरा लिखिए। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं और इन वाक्यों में रिक्त स्थान दिए हैं। अब हमें इन रिक्त स्थान पर सही मुहावरा लिखकर अभ्यास करना है। ओके, सबसे पहला वाक्य है राम अपनी माँ की डैश है। बच्चों आपको रिक्त स्थान पर सही मुहावरा लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे आंखों का तारा, तो यह वाक्य हो जाएगा राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा वाक्य है पुलिस को देखकर चोर डैश हो गए। बच्चों रिक्त स्थान पर आपको 9/11 लिखना है इस तरह से, तो यह वाक्य हो जाएगा पुलिस को देखकर चोर 9/11 हो गए। तीसरा वाक्य है शाम की किताबें खो जाने से उस पर डैश पड़ा। रिक्त स्थान पर आप लिखेंगे आसमान टूट, तो यह वाक्य हो जाएगा शाम की किताबें खो जाने से उस पर आसमान टूट पड़ा। चौथा वाक्य है सीता अपनी बातों को डैश बताती है। बच्चों आपको रिक्त स्थान पर सही मुहावरा लिखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे नमक मिर्च लगाकर, तो यह वाक्य हो जाएगा सीता अपनी बातों को नमक मिर्च लगाकर बताती है। पांचवा वाक्य रात को अचानक शोर सुनकर मोहन के डैश हो गए। रिक्त स्थान पर आप सही मुहावरा लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे कान खड़े हो इस तरह से, तो यह वाक्य हो जाएगा रात को अचानक शोर सुनकर मोहन के कान खड़े हो गए। छठा वाक्य है गांधी जी ने भारत में अहिंसा का डैश दिया था। बच्चों रिक्त स्थान पर आप सही मुहावरा लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे डंका बजा, तो यह वाक्य हो जाएगा गांधी जी ने भारत में अहिंसा का डंका बजा दिया था। तो बच्चों अब आपको भी इसी तरह अपने व्याकरण की नोटबुक में साफ और सुंदर राइटिंग में रिक्त स्थान पर सही मुहावरों को लिखकर अभ्यास करना है और इनको याद भी करना है। ओके किड्स, थैंक यू।